गुड मॉर्निंग, मैं बीनू राय फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल शुभारंभ एक नई शुरुआत में। आज के वीडियो में मैं आपको अपने बैग का टूर कराने वाली हूँ। जैसा कि हर जगह मैंने देखा यही चल रहा है, व्हाट इज इन माय बैग, तो मैंने कहा चलो मैं भी बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको कि मैं कैसा बैग रखती हूँ, मुझे क्या पसंद है और मेरी क्या ज़रूरत है। क्योंकि हमें अपने बैग में ज़रूरत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और पसंद को सेकंड प्रायोरिटी हमेशा देनी चाहिए। लाइफ में भी यही रूल होता है, लाइफ में हमें अपनी ज़रूरतों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और पसंद नापसंद को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं हाउस वाइफ हूँ तो इतना बड़ा बैग लेके मुझे रोज़ जाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। मैं डेली यूज में बच्चे को स्कूल से लेना है या फिर छोटी मोटी चीज़ें मार्केट से लेनी है तो उसके लिए मैं सिर्फ स्लिंग्स बैग यूज करती हूँ। और ये है मेरा स्लिंग बैग या फिर क्रॉस बैग, क्लच बैग, हर तरह से इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका ये निकाल दो, इसको लगा लो, तो वो हर तरह से यूज हो जाता है। उसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि इसको कोई छीन के भाग नहीं सकता है, ये हमेशा आपके पास सामने से रहेगा, तो पॉकेट कटने का भी डर नहीं रहता है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं कहीं भी जाती हूँ कुछ भी छूट जाए मेरा ये नहीं छूटता, क्योंकि मैं क्लच बैग लेके जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं छोड़ दूँगी मेरा भूल जाएगा। इसमें मैं बहुत कुछ नहीं रखती हूँ, इसमें खाली एक ईयरफोन है ये मेरा, और उसके बाद ये दो बिंदी रखती हूँ। ये मेरी ऑल टाइम दो बिंदी है फेवरेट, एक तो मैं हमेशा लगाती हूँ, देख सकते होंगे आप, और ये जब मैं कभी साड़ी वाड़ी पहनती हूँ तब लगाती हूँ। उसके बाद इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, सिर्फ कार्ड्स और कैश हैं, और सारे मेरे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड्स, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। और सबसे ज़रूरी और फेवरेट चीज़ मैं बताती हूँ आपको, ये मेरा उस टाइम का फेस वाइप का काम करता था जब फेस वाइप का ज़माना नहीं था। आई थिंक 2002 से 2003 से स्टार्ट तक नहीं, उस टाइम पे नहीं था फेस वाइप। तो मैं क्या करती थी, कैसे पॉलिथीन में एक नैपकिन लेके कॉटन का अपने पास रखती थी। कहीं भी जा रही हूँ अगर वहाँ पे ज़्यादा मुझे टायर्डनेस फील हो रही है, मुझे फेस वॉश करना है, तो मैं अगर ऐसे छींटे मारेंगे तो कपड़े ख़राब होंगे, बाल ख़राब होंगे, तो मैं क्या करती थी, इसको लेके इसको पानी में गीला करके और ये फेस पोंछ के और फिर मैं इसको ऐसे पॉलिथीन में कवर कर लेती थी, क्योंकि फिर ये गीला हो जाएगा तो बैग ख़राब हो जाएगा। ये मेरा ऑल टाइम फेस वाइप का काम करता था, बजट में 0 पैसे में, एक बार ख़रीद लो सालों साल चले, वो वाला टाइम था ये। अब तो खैर फेस वाइप का ज़माना आ गया है, अब लाइफ बहुत इजी हो गई है। और बहुत कुछ इसमें मैं नहीं रखती हूँ, थोड़े बहुत कह सकती हूँ बस। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है कि हमारे बैग में होनी चाहिए, वो हमारा मेडिकल किट। कहीं भी हम एक दिन के लिए जाएं, हम 2 दिन के लिए जाएं, ये हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, तो हम वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं हुआ या फिर अगर टाइम मान लीजिए थोड़ा लग गया, तो हमें खुद प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको दिखाऊँ तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिले। और ये मेरा देखिए इसमें क्या क्या रखती हूँ, ये मेरा एंटी मॉस्किटो रोल ऑन है, ये बोरो प्लस है, ये कट जाए जल जाए हर ऑल इन वन है, तो ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। उसके बाद ये नाइफ मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्यों कि कुछ भी काटना है, छिलना है, रास्ते में, होटल में है, कहीं भी है, हमें अगर ज़रूरत पड़े तो। मैंने इसको सेलो टेप से रैप कर दिया है, आप श्योर करें कि हमेशा नाइफ को रैप करके पेपर या टिश्यू पेपर में रखें, ये तो हाथ में लगने का डर होता है। आप रबड़ भी लगा सकते हैं, वो जो स्वीट के बॉक्स में आते हैं। ये विक्स है, ये छोटी सी कॉटन है, छोटी सी है, और ये डेटॉल, ये भी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, कहीं भी छिल गया, चोट लग गई, कट गया, तो हम तुरंत ही एंटीसेप्टिक कर सकते हैं उसको और इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। उसके बाद ये मेरे बेटे का फीवर और पेन किलर है, ये कोसिन है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ रखती हूँ, छोटी सी सीजर्स है, ये वाइट थ्रेड, ये ब्लैक थ्रेड और नीडल यानी सुई के साथ में ये रखती हूँ। मान लीजिए हम कहीं होटल में हैं,
कहीं बाहर ही गए हैं, वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो हम किससे मांगने जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं रखती हूँ, आपको अगर रखना है तो रख सकते हैं। मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे तो हमें मतलब ट्रैवलिंग तो हमने बहुत की है, 16 साल मेरी सिर्फ ट्रैवलिंग करते ही बीत गई है। एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ, 2 दिन की छुट्टी होती थी चलो हम कहीं और घूम आते हैं, 4 दिन की छुट्टी होती है तो कहीं घूम आते हैं, तो मतलब बहुत ही ट्रैवलिंग करी है हमने। तो उस सब के लिए मैं ये ज़रूर ऐसा चीज़ें रखती थी कि वहाँ ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे। ये सिट्राजिन है, एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, कहीं भी बाहर जा रहे हैं मान लीजिए वहाँ का वेदर सूट ना किया या वहाँ की किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो गई तो भी मैं अपने पास रखती हूँ। ये फास्ट रिलीफ ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक पेन की प्रॉब्लम है जो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है, ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट होती है। तो ये हैंडाप्लास्ट भी है जो कि मैं रखती हूँ, कभी भी कट गया छिल गया तो तुरंत हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। ये मेरा वॉलिनी का स्प्रे है, ये स्प्रे पेन किलर है, कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको यूज़ करते हैं। ये बहुत दिन का है, ये पता नहीं कभी यूज़ नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम तैयारी के साथ जाते हैं तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। जैसे घर से भूखे पेट निकलो तो बाहर भी खाना नहीं मिलता, ये कहावत है। तो अगर हम तैयारी से जाएंगे तो हमें अच्छा है नहीं ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, इतना सामान रखती थी कि मेरे हस्बैंड तो घर से निकलने के पहले मुझे डांट जरूर पड़ती थी कि तुम सारा घर ही उठा के लेके चलो 2 दिन के लिए जा रही हो। ये भी एक किट है मेरा, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें मैं सिर्फ अपने ब्रेसलेट्स और ये जो मेरे फेवरेट हैं वो रखती हूँ, एक दो जो कभी किसी भी ड्रेस पे कॉमन है आ जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी देख वॉचेज़ हैं। इसको मैं हमेशा चाहे ये कोई भी पहनूं तो मैं फिर उसके बाद इसको कॉटन में ही लपेट के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि कॉटन में लपेट के रखने से चाहे आपके कोई भी अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हैं, अगर उसको कॉटन में हम लपेट के रखते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है जैसे, या फिर न्यूज़पेपर में अगर आप रैप करके रखिए, एक तो स्क्रैच नहीं लगेगा, ऊपर से ऑक्सीडेशन से आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। तो इसलिए मैं इसको रखती हूँ, आप भी ट्राई करिएगा हाथ से, देखिएगा अगर रख सकते हैं तो। अब से मैं ये रखने लगी हूँ 2-3 सालों से, ये फेस वाइप है, ये भी बहुत काम की चीज़ है, वेट फेस वाइप। सैनिटाइजर भी मैं बहुत ही ज़रूरी है रखती हूँ क्योंकि मेरे साथ बच्चे हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं। ये लोटस का क्रीम जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये मेरे पास रहता ही रहता है। ये मेरा मेकअप किट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी मेकअप किट में। सबसे ज़रूरी चीज़ मिलेगी परफ्यूम, एक परफ्यूम और एक वो माउथ फ्रेशनर, गम, च्युइंगम, कुछ भी आप रख लीजिए, लेकिन ये दो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पसंद होनी चाहिए रखना, एक च्युइंगम या फिर माउथ फ्रेशनर और एक परफ्यूम। और इसमें मेरे सेफ्टी पिन, ईयरबड्स और पेपर क्लिप्स और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूर रखती हूँ मैं। बाकी मेकअप में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ मैं, एक कुमकुम है ये मेरा बहुत ज़रूरी, ये काजल है और ये वेट नेल पॉलिश रिमूवर है। और लिपस्टिक में मैं न्यू लिपस्टिक ही यूज करती हूँ तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है। एक ये है, ये मिस क्लियर का है, ये लैक्मे का है अभी मैंने जो लगाया है, ये एस्टेल ऑर्डर का है और ये अमेबे एटीट्यूड का है। ये ही 4 मेरी फेवरेट हैं, मैक्सिमम मैं ट्रैवलिंग में इतना ही रखती हूँ। डार्क कलर मैं फंक्शन या शादी में यूज करती हूँ, वो जब मैं शादी वादी होती है तभी ले जाती हूँ। ये ड्रॉपर है, क्यों रखती हूँ पता नहीं लेकिन मेरे पास ये हमेशा रहता है, मुझे ऐसा लगता है कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। ये मस्कारा है मेरा, काजल आईलाइनर मस्कारा मेरा बहुत फेवरेट है। तो मेरे पास बहुत सारे, ये मेरा आईलाइनर है, मैं बहुत आईलाइनर रखती हूँ लेकिन ये मेरा फेवरेट है, मैं 6 या 7 सालों से इसको यूज़ करती हूँ, ट्रैवलिंग में तो मैं यही लेके जाती हूँ। और ये लोरियल का है, ये मस्कारा मेरा एस्टेल ऑर्डर का है। बस मेकअप में बस मेरे पास आपको इतनी ही चीज़ें मिलेंगी। और ये मेरा स्पेक्ट है, मैं 2 स्पेक्ट रखती हूँ, एक घर पे और एक बैग में हमेशा रखती हूँ कि मान लीजिए घर से निकलते हुए भूल गई तो, क्योंकि मैं मेरी आँखों को एलर्जी है सन से, धूल से, या फिर वो जो घर में तड़का लगाते हैं उसके धुएं से, तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं घर में स्पेक्ट रखती हूँ और एक बैग में। ये गॉगल है, बाहर मैं धूप में बिना गॉगल के भी नहीं निकल सकती क्योंकि एलर्जी है, मेरी आँखों में इचिंग होने लगती है, तो ये गॉगल भी मैं रखती हूँ।
ये मेरा फेवरेट है। और वैसलीन भी आपको हमेशा मिलेगा, मिरर आपको हमेशा मिलेगा मेरे बैग में। और ये हनुमान चालीसा है, ये तो मैं कभी, मैं बैग अगर साफ भी करूँ खाली भी करूँ तब भी ये मैं कभी नहीं निकालती। ये मेरे पास हमेशा, कई सालों से जब से मैं ट्रैवलिंग करना शुरू की तब से मेरे पास रहता है। और बस ये टिश्यू पेपर्स मैं रखती हूँ, कभी भी हाथ वाथ पोछने के काम आ गए। कॉम, रबर, क्लचर, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।